अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वन न्यूज़ स्टूडियो से ईशा यासीन और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। खानकाह डोगरा में सहाफत के आलमी दिन के हवाले से मुत्तहिदा प्रेस क्लब खानकाह डोगरा के ज़ेर इहतमाम एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें सहाफत से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सहाफत के आलमी दिन के हवाले से खानकाह डोगरा प्रेस क्लब के ज़ेर इहतमाम सहाफ़ियों का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सहाफती इलाकाई मसाइल को मिलजुल कर हल करने की अहमियत पर जोर दिया गया। इजलास में सहाफ़ियों के इत्तेहाद को मज़ीद पुख्ता बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर इत्तेफाक किया गया। शुरू का कहना था कि आज के दौर में सहाफत ना सिर्फ मुश्किल बल्कि इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करें। सहाफ़ी माशरे की बुराइयों को उजागर करते हैं जिसके वजह से इन्हें मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। धमकी और मुश्किल के बावजूद सहाफ़ी ऐसे बदकमाश लोगों मुख्तलिफ महकमों में मौजूद काली भीड़ों को बेनकाब करना अपना फ़र्ज समझते हैं। शुरका का मजीद कहना था कि महंगाई की वजह से जराइम में बेतहाशा इजाफा हो चुका है जिसकी वजह से मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी दिन ब दिन मुतासर हो रही है। इसमें शाहिद खानकाह डोगरा